चैनल में हूँ श्रेति एंड ये है कबीर एंड आपका हमारे चैनल पे स्वागत है गाइज मैंने एक चीज नोटिस करी चैनल तो स्टार्ट कर दिया बट हमने काफ़ी चीज़ें आपको हमारे बारे में नहीं बताई हैं एंड मैंने थोड़े दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको मुझसे क्वेश्चन हैं तो आप मुझे बताओ मैं उनका आंसर करूंगी एक ब्लॉग में तो फाइनली वो वाला ब्लॉग आज मैं शूट कर रही हूँ एंड मैंने कुछ सेलेक्ट करे हैं क्वेश्चन टॉप टेन क्वेश्चन जिनका मैं आज आपको जवाब दूंगी कि क्या है वो हमारे बारे में तो हम नीचे जा रहे हैं लेट्स गो एंड फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो चलो शुरू करते हैं एंड पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है अबाउट माई जॉब विल आई वेट फॉर कबीर टू गेट ओल्डर एम आई ऑन मटर्निटी लीव तो ये वाला क्वेश्चन भी दो तीन लोगों ने पूछा है तो गाइज़ वेरी रिसेंटली मैंने एक uh, वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको डिस्क्लोज़ किया था कि मेरी जॉब लग गई है यहाँ पर टोरंटो कैनेडा में तो अभी मैं कोई मटर्निटी लीव पे रही हूँ आई एम अ फुल टाइम वर्किंग नाइन टू फाइव वर्किंग मॉम एंड साथ में मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों कर रही हूँ तो दैट तो इज़ माई जॉब कुछ तो लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप कबीर का वेट करोगे कि वो दो तीन साल बड़ा हो जाए वेल well, uh, नहीं आई डिन नॉट वॉन्ट टू टेक सच अ लॉन्ग ब्रेक तो इसलिए मैंने रिज्यूम कर लिया है एंड अभी तक इट्स गोइंग फाइन देखते हैं अभी तो एक डेढ़ महीना हो चुका है ऑलरेडी करते हुए uh, कैसे चलता है वी विल सी बट दैट इज़ दी अपडेट आई एम वर्किंग हियर इन टोरोंटो फुल टाइम सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू आई लिव तो मैं रहती हूँ मिड टाउन ये है डाउन टाउन से कुछ सात आठ किलोमीटर दूर एंड ये एक मिड टाउन का पार्क ही है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी मई uh, स्टार्टिंग चल रहा है महीना तो एक दो हफ्ते या इनफैक्ट मई एंड तक ये पूरा पार्क ग्रीन हो जाएगा जो ब्रांचेस दिख रही है ना ये भी पूरी पूरी ग्रीन हो जाएंगी तो और भी सुंदर लगता है तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं एंड अपार्टमेंट्स हैं नेबरहुड है पूरा uh, पूरा मार्केट uh, एरिया भी है मॉल्स भी हैं तो हम लोग यहाँ रहते हैं मिड टाउन करके एरिया है वहाँ पर एंड या इट्स गोइंग गुड सो फार अभी ग्यारह महीने हो गए हमें कैनाडा शिफ्ट हुए हुए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके लिए uh,

<laughs> तो हाँ और अब तुम सारे काम गिर गई झाड़ू लगाना बाथरूम क्लीन करना बनाना हाँ मतलब चलो फार्मूला बनाना तो इतना काम नहीं है बट हाँ एक इतने सारे काम होते हैं ना तो एक फार्मूला बनाना भी बच्चे का बॉटलें धोना ये भी एक काम लगता है क्योंकि सब कुछ आपको अपने आप करना है एंड अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है तो, भी वो काम करना पड़ता है। exactly, तो नहीं हो पाता तो जो इंडिया में या होम कंट्रीज में काम नहीं करते थे वो यहाँ सीख जाते हैं शशांक जो इंडिया में ज़्यादा काम नहीं करते नहीं, थे तो नाश्ते में ब्रेड बटर बनाना पोहा बनाना इससे नहीं, नहीं है वहाँ पे भी काम होता था इतना नहीं था ठीक है आपको अब जवाब मिल गया होगा तो वी बोथ मैनेज कबीर वर्क होम सब हम साथ में करते हैं प्लस पॉइंट है कि अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम है आ, तो सब मैनेज हो जाता है हाँ ऑफिस जाना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता तो यही यह है एंड इसीलिए अभी हमने कबीर को डे केयर में भी नहीं डाला है वी आर मैनेजिंग अ लोन तो हम वो वाले एक्सपेंसिस सेव करके एंड इनफैक्ट कबीर अभी थोड़ा छोटा भी है बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं तो इसलिए उसको डे केयर में भी नहीं डाला है अभी हम खुद ही ये सब मैनेज करते हैं एंड या चल रहा है गाड़ी चली रही है सो so... <laughs> नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वॉन्टेड टू पिक दिस अप जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे एक्चुअली हंसी भी आई ये डाउट हमारा भी था एंड शशांक इज़ द राइट पर्सन टू आंसर दिस तो क्वेश्चन है वाटर बिडेट इन टॉयलेट इज इट ईजी टू गेट एंड इंस्टॉल तो भाई जो एशियन कंट्री साउथ ईस्टिन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आते हैं लोग तो ऑफ कोर्स वी हैव दिस हैबिट कि वाटर बिडेट स्प्रे जेट होता है एंड यूजिंग टिश्यू पेपर्स इज एक्चुअली नॉट हाइजीनिक तो हम लोग वो नहीं प्रेफर करते हैं। तो हमने तो भाई डे वन पे ही लगा लिया था शशांक ने पहले ही रिसर्च कर ली थी क्या करना है तो या तो मिल जाता है अमेज़ान से ले बहुत जीजी है अमेजोन पर आई थिंक हमने फोर्टी डॉलर का ख़रीदा था और दो चार ऑप्शन हैं मैंने वही आई थिंक मैंने जो और इंस्टॉलेशन के लिए तो यूट्यूब वीडियो देखी थी और बहुत ही ईजी था पंद्रह मिनट में इंस्टॉल हो गया था

पॉइंट सिस्टम भी थोड़ा उनका कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा पॉइंट ज्यादा चाहिए होते हैं उसके अंदर तभी अब तो और भी मुश्किल हो आप तो काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने सुना है तो मुझे डिटेल नॉलेज भी नहीं है बट उसी टाइम उन्होंने काफी फिर कोविड टाइम पे उन्होंने बिल्कुल ही बंद किया हुआ था ना तो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था ना तो मेरा मन था कि ऑस्ट्रेलिया जाना है मुझे लगता था कनाडा में बहुत ठंड है मुझे ठंड पसंद थी बट फिर भी इतनी ठंड तो इसलिए हमें मैं हमेशा बोलती थी कि ऑस्ट्रेलिया जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है लाइक नहीं कैनेडा चल लेते हैं बट क्योंकि सम लाइक वी सेट पॉइंट सिस्टम डिफिकल्ट हो रहा था हमने के लिए अप्लाई किया एंड एंड एक में ही आ वी आर ग्लैड अभी वी आर लाइकिंग इट अच्छी जगह है इमिग्रेंट्स फ्रेंडली फ्रेंडली इमिग्रेंट्स फ्रेंडली है हाँ मतलब वहाँ थोड़ा रेसिज्म का इशू रहता है जो हमने जोरी है घर उतने घर इतने महंगे नहीं है जो यहाँ पे आग लगी हुई है तो थोड़ी शायद लाइफ थोड़ी बेटर होती है वहाँ पे बट नो वी आर हैप्पी थोड़ा टाइम लगेगा

एंड वेट उसकी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तीन हफ्ते पहले हुआ था तब लिया था हमने वेट अभी रिसेंट वेट मेरे पास नहीं है बट ही इज़ नॉट लाइक बहुत मोटा सा चबी चबी सा बच्चा जब वो तीन चार महीने का था तो बीच में थोड़ा चबी हो गया था अभी तो वो पतला ही होता जा रहा है एंड ऐसा नहीं है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर काफ़ी हाई परसेंटाइज में आता है ऐसा कुछ नहीं है बट मैं डॉक्टर से पूछती रहती हूँ एंड शी इज़ आल्सो फाइन वो यही बोलती है बस खिलाओ इसको अच्छे से खिलाओ खाना खा रहा है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ही इज़ एक्टिव दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट ही इज़ तो मैं इतना बॉडर नहीं करती हूँ कि वेट कितना है हर बच्चे का अपना अलग जर्नी होता है तो आ, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि, कि किसी और का बच्चा ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा है इतने मंथ पे या फिर इतने मंथ पे दस किलो ही होना चाहिए या दस महीने पर बारह किलो होना चाहिए तो आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज ही इज़ एक्टिव खुश रहता है एक्टिव है बीच बीच में बच्चा है तो क्रैंकी भी हो जाता है तो ही इज़ फाइन तो या दैट इज़ ऑल अबाउट कबीर मूविंग ऑन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए भी ही इज़ द राइट पर्सन टू आंसर इट क्योंकि मोस्टली शशांक ही ऑर्डर करता है मैं बता देती हूँ क्या खाना है बट जो रिसर्च करनी होती है ऑनलाइन मंगाना है जाके पिकअप करना है तो दैट्स वाई आई थॉट ये शशांक के साथ ही आंसर करना चाहिए एंड द क्वेश्चन इज इज़ इट एक्सपेंसिव टू ईट आउट इन टोरोंटो वॉट डू यू थिंक यार एक्सपेंसिव तो पचास जाते है से। right. आ, और कुछ भी दस डॉलर से कम कुछ आता ही नहीं है खाने में आ, मतलब आप कहीं भी जाओ फ्रेंच फ्राइज या फिर एक रैप भी लो ना सात आठ डॉलर प्लस टैक्स लगा लो तेरह परसेंट टैक्स लग जाता है तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यार स्नैक्स मंगाने हैं तो पाँच सौ छः सौ रुपये में अच्छे स्नैक्स आ जाते थे यार मतलब अच्छे से पेट भी भर जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल चीपेस्ट बात करो तो चाट चूट खाली यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो नहीं है आ, तो एक्सपेंसिव होते ऊपर से टैक्स इतना ज़्यादा है

आराम से मतलब वो कहीं नहीं गए पचास हजार डॉलर तो हाँ जी हाँ एक्सपेंसिव है टोरंटो तो महंगा पड़ता है स्पेशली अगर आप अपनी कंट्री से आके यहाँ पे अगर कन्वर्ट करके खाओगे तो बहुत मुश्किल है हमें भी शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता था बट अब हमें धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है तो अब इतना फर्क नहीं पड़ता जब हम देखते हैं बट अफकोर्स थोड़ा नेचुरली हमारे अंदर है क्योंकि ऑफ कोर्स बचपन से करते आ रहे हैं राइट तो अभी हम भी सोचते हैं यार बीस डॉलर की सब्जी यार पच्चीस डॉलर की सब्जी इतने में तो हम थ्री मोर स्टार में खा लेते हैं इंडिया में खाना बट दैट्स हाउ इट इज तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वॉज इट इजी टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा तो गाई सबसे पहले मैं बता दूँ मैं आईटी सेक्टर से हूँ आईटी कंसल्टिंग से थी वॉज इट ईजी तो मैं क्या कहूँ बट थोड़ा मुझे लगता है कि आप सर्च करना स्टार्ट करो अगर आपकी टाइमिंग सही है कि जॉब मार्केट अच्छा है जैसे इस टाइम uh, अभी के महीने में और एक दो महीने पहले से मार्केट uh, हॉट है काफ़ी जॉब्स हैं इस टाइम पर और मेरे स्किल सेट की तो काफ़ी जॉब्स है तो मैंने जब जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था मेरी एक महीने में जॉब लग गई विच इज़ अ गुड पॉइंट बट या यू शुड नो वॉट आप काम क्या करते हो मतलब वॉट यू वर्क ऑन आपका स्किल सेट क्या है क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू अच्छा लेता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है तो इज़ इट ईजी टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा आई थिंक केस टू केस वेरी करता है स्किल सेट पर भी वेरी करता है उसकी डिमांड पर वेरी करता है जैसे मैंने कहा महीनों पर वेरी करता है आप कब अप्लाई करो जैसे आप नवंबर दिसंबर में आ, साल के एंड में अप्लाई करोगे तो नहीं वहाँ इस ता, उस टाइम पर जॉब मार्केट इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो हॉलीडे सीजन होता है सब छुट्टी पर चले जाते हैं तो या yeah, मेरी जॉब तो लग गई एक महीना में तो आई वुड से मेरा तो ठीक रहा एक्सपीरियंस बट uh, हर टाइप का केस है यहाँ पे हर टाइप का एग्जाम्पल है तो डैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर योर किड टू गेट अ वीज़ा तो आ, कभी का वीज़ा इन प्रोसेस है अभी आ, मतलब हमने अप्लाई नहीं किया है करना है डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं तो वीज़ा इंडिया का वीज़ा अप्लाई करने में मतलब क्योंकि हम इन, इंडिया का ओसीआई अप्लाई करेंगे उसके लिए आई होप दैट इज़ द क्वेश्चन तो उसके लिए बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन है पूरा फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है तो अभी वो इन प्रोसेस है कर लेंगे तो पता चलेगा कितने महीनों में आता है वैसे फ़ोर टू सिक्स वीक्स है उसकी टाइमलाइन जो वेबसाइट पर लिखी हुई है मैं एनी आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी तो फिलहाल कबीर के पास इंडिया का वीज़ा नहीं है वो अभी वीज़ा अभी वो इंडिया नहीं जा सकता बट हम जल्दी अप्लाई कर देंगे एंड फिर या उसका वीज़ा आएगा फिर जाएगा इंडिया उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको इतना बुलाते रहते हैं इवन आई वॉन्ट टू ट्रैवल बट या लेट्स सी पहले तो उसका वीज़ा अप्लाई कर दें अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनमें से लास्ट क्वेश्चन ये है हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस लिविंग इन कैनेडा मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रेगनेंसी केयर एक्सेप्ट एक्सेट्रा तो गाइज मैं कैनाडा मूव हुई थी जब मैं थर्टी फोर थर्टी फाइव वीक्स प्रेगनेंट थी एंड उसके बाद पूरा मेरा प्रेगनेंसी का टेक केयर यहाँ पे ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने ही किया क्योंकि मेरे पास पब्लिक हेल्थ कार्ड था तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था वेल well, प्रेगनेंसी uh, का एक्सपीरियंस आई थिंक जो भी यहाँ पे डिलीवर करेगा अपना बच्चा उसका एक्सपीरियंस बहुत ही फंटेस्टिक रहेगा इट्स दे टेक केयर ऑफ़ यू लाइक देयर ओन चाइल्ड मतलब बहुत ही बढ़िया था Uh, मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी लास्ट uh, में एंड मेरे को वेजाइनल बर्थ कराना था नॉर्मल बर्थ बट सी सेक्शन कराना पड़ा लेकिन जैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया बहुत ही अच्छा था मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस्ड इससे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी अपने दूसरे चैनल पर कि मेरा मटर्निटी एक्सपीरियंस कैसा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको डिटेल में वो वीडियो देखनी है बट दैट वॉज लाइक सुपर क्लास एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस उसके अलावा हमने प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले रखी है अपनी अपनी कंपनी से तो जो पब्लिक ऑन कार्यों की इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता ना वो हमारी प्राइवेट इंश्योरेंस में कवर हो जाता है जैसे डेंटिस्ट का आई का ये सब चीज़ें तो ये लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत महंगा है अगर आप अपनी पॉकेट से खर्च करोगे तो वाट लग जाएगी मतलब बहुत पैसे खर्च हो जाते इट्स वे टू एक्सपेंसिव तो uh, हमारा एक्सपीरियंस वो so अच्छा रहा है बट मैंने कहानियाँ सुनी है कि इमरजेंसी में uh, जब तक आपका इमरजेंसी केस नहीं है इतना यहाँ पे इंपॉटेंस नहीं देते वेट कराते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है डिपेंड uh, मतलब कंपेयर टू जितनी यहाँ पॉपुलेशन है वो केस तो है यहाँ पर बट मिक्सड मिक्स केसेज़ हैं तो या बट प्रेगनेंसी का अगर आप मुझे पूछो तो वो बहुत ही बढ़िया था लाइक आई सेड एंड इसके अलावा सेकेंड पार्ट ऑफ़ द क्वेश्चन कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक कैनेडा में तो so टिकाइज uh, अभी तक तो इट हैड बिन गुड अच्छा है हवा अच्छी है पानी अच्छा है लोग अच्छे हैं लोग भी अच्छे मिले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपके फ्रेंड्स uh, हैं तो आपके यहाँ पे लाइफ अच्छी होगी मतलब सोशलाइज़ करना ईज़ी uh, हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इतने लोग नहीं होते हैं तो फैमिली है फ्रेंड्स हैं तो फिर सही है ऑफकोर्स hmm. आप अपनी फैमिली को मिस करोगे इंडिया में जो है या आपके बैक होम में है hmm. वो एक पार्ट है मतलब वो बड़ा ही पार्ट होता है बट अदरवाइज ओके तुम तो कहते हो बहुत अच्छी है खाने की या मतलब ही इज़ लाइक इंडियन फूड लवर तो हाँ इंडियन फूड मिलता है यार ऐसी बात नहीं है

है तो है क्या कर सकते हाँ, हैं चाय का कॉर्नर हाँ, <laughs> चायोस तो जैसे तो नहीं मिलती, नहीं नहीं, मिलती है ब्रैमटन वगैरह में पी तो हाँ, हाँ, सॉरी सॉरी तो बस ये है बट सो फार गुड बट ओवरऑल एक्सपीरियंस हैड बीन गुड राइट वो अच्छा है वो अगर टेन में से पॉइंट्स देने होंगे तो हम कितने पॉइंट्स दोगे एट

आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी मेरे बारे में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल भी गए होंगे एंड क्या बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो एंड कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो मैं इसका पार्ट टू बना सकती हूँ मे बी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में uh, जब आपके मे बी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाएंगे Uh, तो ब्लॉग को क्लोज करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आर यू वेटिंग फॉर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन इससे आप मेरे चैनल पे ट्यून रहोगे एंड मेरी मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में टिल गुड बाय